ठीक है। आप कुछ लोगों ने पहले मैं आपको पढ़ा हुआ लीनियर सिस्टम थ्योरी, ठीक है, और आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। कौन? एरोस्पेस मींस मैकेनिकल साइड, ठीक है, अच्छा। और कहाँ से? IST, ठीक है। और बाकी लोग? आप लोग तो IST LST पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना? कहाँ से? BZ से। कब आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया आपने? अच्छा, ठीक है। और आपका? तो शक्ल तो देखी भी नहीं लग रही मुझे, है अब्दुल्ला तो इधर ही है। आप लोग भी LST में थे, ठीक है, ओके। आई ट्राई कि मैं इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में ना रखूँ, लेकिन जहाँ आपको ना समझ आए पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स अनलाइक LST, ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इन्वॉल्व्ड एंड प्रैक्टिकल कोर्स, ठीक है। इसमें हम आपको रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स देंगे और उनको मैथ्स के साथ रिलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप खुद भी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करें इसके साथ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मोटर पे हमने शुरू किया था चीज़, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो किए थे लेकिन फिर शायद टाइम नहीं था, या आप लोग बहुत ज़्यादा उसको आगे लेके नहीं जा सके। लेकिन इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हो। और सेकेंडली LST से ये इसलिए डिफरेंट है कि अब हम टाइम डोमेन की बात नहीं करेंगे, हम सारा का सारा काम फ्रिक्वेंसी डोमेन में करेंगे। दैट वुड मीन लैपलास ट्रांसफॉर्म। और उसमें हम कोई अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ बेसिक नोशंस पता है ट्रांसफर फंक्शन की, थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको पता है, और कुछ मैं चिप इन कर दूंगा, लेकिन प्राइमरली आपको पहले से पता होना चाहिए इसका, ठीक है। और आई प्रिज्यूम कि आपके जो कोर्सेज हैं अंडरग्रेड के, उनमें आपने ट्रांसफर फंक्शंस की ना कहीं पढ़े होंगे। अच्छा, वाई ट्रांसफर फंक्शंस? हम उस पर क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं? आज के कोर्स का, आज के लेक्चर का जो टेक होम है, दैट विल बी योर ट्रांसफर फंक्शन आइडिया कॉन्सेप्ट, कि हम इसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स क्यों यूटिलाइज करते हैं, एंड दिस इज व्हाई दिस इज सो मच ऑफ पैरामाउंट टू आर कंट्रोल सिस्टम स्टडी, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका अंडरग्रेड का कंट्रोल का फ्रिक्वेंसी डोमेन का कोर्स था, उसे ये डिफरेंट इस तरह से होगा कि ये डिज़ाइन पे फोकस करेगा, ठीक है। हम एनालिसिस पे बहुत कम जल्दी कवर करके फिर हम डिज़ाइन पे जल्द से जल्द जाने की कोशिश करेंगे, ओके। ये आपका सॉर्ट ऑफ डिवीजन है। इसमें जो नई जो डिफरेंट चीज़ है वो 20% का आपका प्रोजेक्ट है। और पिछली दफ़ा तो LST में हमने प्रोजेक्ट चूँकि थोड़ा लेट शुरू किया था, तो हम उसको कंक्लूड नहीं कर सके, लेकिन इस दफ़ा हम उसको काफ़ी शुरू अर्ली स्टार्ट करेंगे। और वी विल लाइक कि हम एक अच्छा डिज़ाइन प्रोजेक्ट आप लोग सब करें और सबमिट करें और समझ के करें उसको। बाकी यूजुअल है, फाइनल 40% है, मिड टर्म 20% है, क्विजेस 10%, असाइनमेंट्स 10%। और प्रोजेक्ट को हम, मुझे याद करवाना, अगली दफ़ा हम आपको प्रोजेक्ट की डिवीजन भी देंगे कि कितने कितने परसेंट का क्या क्या माइलस्टोन होगा। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली हम ट्रांसफर फंक्शन के जरिए देखेंगे कि डायनेमिक सिस्टम को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं, उसकी क्या कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर आपको PID और बोर्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बेस्ड कंट्रोलर्स डिज़ाइन करना हम आपको सिखाएंगे, और देखेंगे कितना टाइम बचता है, तो शायद फिर हम एडवांस कंट्रोलर्स पे भी जाएं। तो ओरिजिनली 1930 में जब आप कह रहे हैं कि मॉडर्न एयर ऑफ कंट्रोल थ्योरी स्टार्ट, नॉट कंट्रोल थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो इट वाज स्टार्टेड विद डिफरेंशियल इक्वेशंस, रादर फ्रीक्वेंसी डोमेन बेस्ड ट्रांसफर फंक्शंस, ठीक है। विलियम ब्लैक ने सबसे पहले जो एम्पलीफायर
को सैचुरेशन से या स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से रोकने के लिए उसने उसको फीडबैक में यूज़ किया। वो प्रीटी मच वैसे ही था जैसा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर आप आजकल देख रहे हो, ऑप एम्प को भी आप हमेशा एक फीडबैक लूप के साथ यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ प्रीटी मच द फर्स्ट यूज़ ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन मॉडर्न डे सिस्टम्स। तो उसका अगर आपने बैकग्राउंड पढ़ना हो तो फ्रैंकलिन एंड पावल की बड़ी अच्छी बुक है, सिक्स्थ एडिशन, और ये हमारी टेक्स्ट बुक भी है, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी एक्स्ट्रा स्टडी अगर आप करना चाहें तो ये दोनों बुक्स भी देख सकते हैं, या अपने पास नोट कर लें बेशक, और इनके नेट पे इलेक्ट्रॉनिक एडिशन भी अवेलेबल है, और वो हाँ बार बार एडिशन भी इक्वली गुड है जो भी आपको मिलता है। ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका गोल क्या है? गोल इस कोर्स का सिंपल है कि जब आप इस कोर्स के बाद जाएं तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंट्रोलर्स डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करके उनको टेस्ट कर सकें, राइट, सिंपल एज दैट। नहीं, वो रोबस्ट कंट्रोल में होती है, रोबस्ट में होती है, वो लीड लैग होगा, लीड लैग होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स हैं ये लीड लैग कंट्रोल डिज़ाइन के लीड लैग्स। अलबत्त आप आखिर मुझे याद करो, मैं आपको लूप शेपिंग पे एक लेक्चर दे दूँगा, ठीक। तो कोर्स आउटलाइन में ये देख सकते हैं आप, लीड लैग यहाँ पे है। हम स्टार्ट लेंगे कंट्रोल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से और मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स, ठीक है। कंट्रोल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हम स्किप करेंगे क्योंकि ये प्रीटी मच आप लोगों ने अंडरग्रेड में काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है कि जी स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, राइज टाइम और राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सब आपको पता है प्रीटी मच। इधर यह टेक्नीशियन का है हारिस, वो टेक्नीशियन को क्या चेज़ ऑल है, चेज़ पूरी है।